सनकी राजा और हरा घोड़ा। पहले के जमाने के राजा भी अपने सेनापति या अपने दरबार के रत्नों से कोई ना कोई अजीब सी फरमाइश कर देते थे और उनके सेनापति या रत्नों को वो पूरा करना ही पड़ता था। अब वो कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, इससे राजा को कोई मतलब नहीं होता था। उन्हें तो बस अपनी फरमाइश पूरी चाहिए। एक दिन ऐसे ही एक सनकी राजा ने अपने सेनापति से कहा, मुझे हरा घोड़ा चाहिए। अब घास तो हरी होती ही है, लेकिन घोड़ा कैसे हरा हो सकता है? लेकिन ये राजा साहब थे और राजा चाहते तो हरा, नीला, पीला कैसा भी घोड़ा मांग सकते थे। खैर, कहानी की शुरुआत तब हुई जब एक बार राजा अपने सेनापति और सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल जा रहे थे। जंगल की हरियाली देखते ही उनका मूड हो गया कि उनके पास भी ऐसा ही हरा हरा घोड़ा होना चाहिए, ताकि हरियाली में वो छुप जाए और उनके शिकार को पता ना चले कि राजा साहब घोड़े पर उसका पीछा कर रहे हैं। बस जी, उन्होंने अपने सेनापति को लपेटे में ले लिया और अपनी बात कहने की भूमिका बना ली। वाह सेनापति वाह, ये जंगल कितना हरा भरा है। जी राजा साहब, आपके राज में देखिए ना, चारों तरफ कितनी हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हाँ सेनापति, और ऊपर से हमने हरे हरे कपड़े पहने हैं तो हमें और भी अच्छा लग रहा है। काश हमारा घोड़ा भी हरा होता। अक्सर राजाओं के साथ उनके चमचे भी पीछे लगे रहते हैं, जो ऐसे मौकों का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब चमचे ने राजा साहब के मुंह से हरे घोड़े की बात सुनी तो तुरंत बोला, अरे राजा साहब, इसमें क्या मुश्किल है? आप राजा साहब हैं, आप जैसा भी घोड़ा चाहें, हरा, पीला, नीला, वो घोड़ा लाया जाना चाहिए। और वैसा घोड़ा सेनापति, वैसा घोड़ा सेनापति नहीं मुँह लगे, अब वैसा घोड़ा आप हमारे लिए लाइए। अब मिस्टर मुलगे खुद अपने बिछाए जाल में फंस गए, क्योंकि राजा साहब ने उसी को लपेटे में ले लिया। अब वो टेंशन में आ गए कि हरा घोड़ा कहाँ से लाएंगे। तो मुलगे जो है वो बहाने बनाने लगते हैं। सुनकर राजा साहब कहते हैं, मुलगे, आपने खुद कहा है कि हम राजा साहब हैं और हमारी मांग पूरी की जानी चाहिए, तो अब अगर आप अपनी जुबान से मुकरे और हमारे लिए हरे रंग का घोड़ा नहीं लाए तो आपकी गर्दन कलम कर दी जाएगी और उस पर हरा रंग कर दिया जाएगा। अब जो है मोलगे की हालत खराब हो गई। वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करे। रात में उठ उठ कर बैठने लगे, बीवी से अलग उलझ पड़ते। क्यों बनाई थी सुबह लौकी की सब्जी, मेरा मूड खराब हो गया। उस चक्कर में मैंने बादशाह को कह दिया कि हरा घोड़ा होना चाहिए और बादशाह ने हमें ही काम पर लगा दिया। और जब वो सोने की कोशिश करता है तो राजा साहब उसे उसकी गर्दन काटते हुए दिखाई देते हैं। थक हार कर पहुंच गए मुलगे सेनापति के पास। सेनापति सेनापति, अब इस मुसीबत से तो हमें आप ही निकाल सकते हो। हम भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं मुलगे, आपने तो खुद ही उड़ता तीर। माफ कीजिए, हमारा मतलब आपने ही राजा साहब को कहा था कि उन्हें हरा घोड़ा मिलना चाहिए, तो अब आप ही लाकर दीजिए। वो तो हमने जोश जोश में कह दिया था, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हरा घोड़ा कहाँ से लाएं। एक काम करते हैं, किसी पेंटर से कहकर किसी घोड़े पर हरा रंग करवा कर बादशाह को दे दिया जाए। बहुत ही अच्छा उपाय है सेनापति जी, लेकिन जिस दिन राजा साहब घोड़े को नहलाएंगे उस दिन हम नजर नहीं आएंगे। कुछ अच्छा उपाय बताइए, आपके पास कुछ अच्छा उपाय होगा सेनापति जी? आपने तो बड़ी बड़ी पहेलियों को हल कर दिया है, तो अब इस हरे घोड़े वाली पहेली को भी सुलझाइए। एक काम करिए, आप अपना कान हमारे कान के पास लाइए। हाँ, कहीं आप हमारे कान में कानियों मानियों कुर्र करके तो नहीं भाग जाएंगे? कानियों मानियों कुर, ये क्या होता है? हम बचपन में किसी के कान में कानियों मानियों कुर करके भाग जाते थे। मुंह लगे, हम बचपन में नहीं हैं, जवानी में हैं, और आपकी तो जवानी के गले पर भी तलवार लटकी हुई है, और आप ऐसी बहकी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। ठीक है, बताइए
क्या करना चाहते हैं आप? अब जो है सेनापति ने पहले तो कानों में कानियों मानियों कुर किया और फिर जो बताया उसे सुनते ही मूलगे का चेहरा खिल गया और अगले दिन वो जा पहुँचे दरबार में। क्या बात है मूलगे जी, ले आया आप हरा घोड़ा? लाया तो नहीं राजा साहब, लेकिन पता कर लिया है हरे घोड़े का, लेकिन उसके मालिक की दो शर्तें हैं। आप तो बताइए मूलगे जी, हम दोनों शर्तों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले शर्त ये है कि क्योंकि वो स्पेशल हरा घोड़ा है तो उसको लेने आपको खुद जाना होगा। बहुत खूब मूलगे जी, और दूसरी शर्त बताइए। यही कि उस घोड़े को लेने आप सप्ताह के सातों दिन के अलावा और किसी दिन जाएंगे। ये कैसी शर्त है मूलगे, सप्ताह में तो सात ही दिन होते हैं। जी राजा साहब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घोड़े के मालिक की यही शर्त है। मूलगे जी, सच सच बताइए, ये आपके सर को कलम होने से सेनापति ने बचाया है ना? जी राजा साहब, ये सेनापति जी का ही दिया हुआ उपाय है। तो देखा बच्चों, इसीलिए जब भी कोई अनोखी समस्या आए तो एक बात याद रखना, उसी अनोखी समस्या में कोई अनोखा सॉल्यूशन मौजूद होता है। जैसे यहाँ हरा घोड़ा नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन भी मिला कि सप्ताह के सातों दिन छोड़कर किसी और दिन ही वो घोड़ा लेने जाया जा सकता है। अब जब सप्ताह के सातों दिन के अलावा कोई दिन ही नहीं होता तो राजा साहब जाएंगे कैसे? और इस तरह सेनापति ने मूलगे जी की गर्दन कलम होने से बचा ली।